नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार तथा दंतेवाड़ा के पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वारंटू अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण अत्याचार तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले नक्सली हिंसा से तंग आकर नक्सलियों के द्वारा मनाए जा रहे शहीद सप्ताह के पहले दिन प्रतिबंध नक्सल संगठन के नक्सली क्रमशः रमेश हे मला पिता लख्यू हेमला उम्र 24 वर्ष जाति मुरिया तथा रितेश हेमला पिता सन्नू वर्ष 30 वर्ष जाति मुरिया ने आज दिनांक 28 जुलाई 2022 को दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। दंतेवाड़ा से प्रेम कुमार तिवारी की रिपोर्ट। ये आज नक्सली शहीद सप्ताह जो तथा कथित शहीदों के लिए स्मृति सप्ताह चलाते हैं उसमें लोन वराटू अभियान के अंतर्गत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन 3 नक्सलियों के ऊपर सम्मिलित तौर से 18 लाख का इनाम शासन के द्वारा घोषित है और ये हार्डकोर बटालियन और कंपनी के सदस्य हैं जो कि पूर्व में कई बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनफैक्ट जो मिनपा की घटना हुई थी जिसमें 17 जवान हमारे शहीद हुए थे 2020 में, उसमें भी ये लोग शामिल थे जो बटालियन के द्वारा किया गया था और बटालियन के और जो प्रेस ब्यूरो है उसमें भी ये लोग सक्रिय रूप से कार्यरत थे। पिछले 11-12 साल से ये लोग संगठन में कार्यरत हैं और शहीद सप्ताह जो कि नक्सली कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता है उसके पहले ही दिन 18 लाख के इनामी नक्सली अगर दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर कर रहे हैं तो ये एक तगड़ा मैसेज है सभी हमारे उन भ्रमित भाई बहनों को कि वो भी मुख्य धारा में जुड़े।